एक तरफ नेपोलियन था जिसके पास पैसा, दौलत, शहरत, इज्जत, ताकत सब कुछ था, मनसब भी था, मगर उसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में इस बात का एतराफ किया कि वो जिंदगी भर एक हफ्ते के लिए भी खुश नहीं रहा। दूसरी तरफ हेलन कैलन थी जो कि नबीना थी, ब्लाइंड थी और डफ थी, उसने कहा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, मगर हमने इसको खूबसूरत बनाना है। अल्लाह ताला ने जिंदगी को हमारे लिए आसान नहीं बनाया, अल्लाह ने ये वादा नहीं किया कि आपकी जिंदगी आसान होगी, क्योंकि ये भी कहा गया है कि मोमिन के लिए जिंदगी जो है ये दुखों की अमाजगा है। तो दोस्तों जिंदगी को हमें आसान बनाना है, उसके दो तीन बहुत अच्छे पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं जो जिसका मैंने जिक्र किया कि शाकर हो, दूसरा जो है ज़र्फ। दोस्तों सवाल से मैं एक अपना वाकया शेयर करता हूँ, काफ़ी पुरानी बात है। मैं गुजरात की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ी आलमी शोर याफ्ता हूँ, अप्लाइसेज और फैन की, पाक फैन के नाम से, वहाँ पे एज ए फैक्ट्री मैनेजर काम कर रहा था। तो वहाँ पे जो है वो कुछ दोस्त अहबाब, कुछ मेरे सबॉर्डिनेट्स, कोलीग्स और कुछ मुखालफिन जो हैं, उन्होंने मुझे पंप किया कि जंजुआ साहब बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, आप बड़ी स्टेज एक्टिंग करते हैं, फ्लास ये करते हैं वो करते हैं। तो इस फैक्ट्री में कभी महफिल नात नहीं हुई, कल मिला ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो कल एक महफिल का एहतमाम करें आप। तो मुझे भी पता था, तो मेरे एक दो मुखलिस दोस्तों ने कहा कि क्योंकि ऑनर्स जो हैं डायरेक्टर्स वो सारे जो है वो दूसरे फिरके गए हैं, तो आज तक ऐसे हुआ नहीं, ना वो ऐसा करने देंगे। मैंने कहा नहीं, कल इंतज़ाम करते हैं। कल जनाब महफिल नात करवाई गई और सारा कुछ वो इंतज़ाम शायद हुए। यकीन करें उस दिन से ले कर और आज तक किसी डायरेक्टर्स, किसी ऑनर्स ने मुझे नहीं कहा आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, इजाज़त नहीं ली। हालांकि वो बड़े स्ट्रिक्टली जो है ना वो इस चीज़ के मतलब अगेंस्ट थे, लेकिन उनका ज़र्फ़ देखें। और वन ऑफ द डैम जो डायरेक्टर हैं, इज लाइक ए फौजी सर्विंग जनरल, तो मुझे अक्सर वहाँ पे लोग कहते थे कि जंजुआ साहब आपकी हिम्मत है कि आप उनको फेस करते हैं, टैकल करते हैं, हैंडल एंड मैनेज करते हैं, और वो फोकल पर्सन जाहिर सी बात है वही थे। तो बात कहने का है ये कि इंसान का जो है ना ज़र्फ जो है इतना होना चाहिए कि अपने मुखालफीन को भी, सियासी मजहबी हों या किसी हवाले से भी हों, तो एटलीस्ट इतना जो है ना देखें। अब वहाँ उस फैक्ट्री के अंदर ही एक बहुत बड़ी महफिल का एहतमाम किया गया और टोटली वो जो है ना मतलब कोई मैं हैरान हूँ कि उनके ज़र्फ पे। तो दोस्तों आजकल के हवाले से मैं इस तनाज़र में बात करूंगा कि आजकल तो जैसे देखें ना, कुछ पिछले दिनों ज़मान पार क्या हो रहा था, ज़मान पार की जो सिचुएशन थी वो तो आपके सामने है। और हम जो है सोशल मीडिया पे कितने एक दूसरे को गाली गलोच, पेजेस भरे हुए हैं कमेंट्स और पोस्टें, इंतहा का जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ जो है, किसी ने मरियम नवाज के खिलाफ मतलब देखें एक गंदी गलीज बकवासात, इसी तरह इमरान खान के अगेंस्ट इतनी घटिया और गंदी गलीज, यानी कि घरों तक पहुंचे होते हैं। और अब आगे जो है इंतखाबात आ रहे हैं, खुदा के लिए जो है ना इस जो है ना मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना अपना ज़र्फ कम अज़ कम कम ज़र्फ ना बने। कम ज़र्फ आदमी का वो कभी खुश नहीं रहता, आप देखें कम ज़र्फ बंदा कभी खुश नहीं रहता, आला ज़र्फ बंदा ही अल्लाह को पसंद है और अल्लाह की ज़ात जो है ना उन पर अपना करम करती है। तो इसलिए जो है प्लीज़ जो है ना ये इंतहा की बगैरती है सोशल मीडिया पे जो है ना। और प्रैक्टिकली देखें जमान पार्क में जो क्या किला फिर फतह करना था आपने, यानी कि इंतहा है, यानी कि आप एक पूरी फोर्सेस लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है अंदर, मतलब मैं कहता हूँ कि इतनी इंतशार, इतनी अफरा तफरी। और वही मैं तो डर रहा था कि जैसे वो वाकयात हुए जो है वो मिनाजुल कुरान के हवाले से औरतों के मुँह में गोली मारी गई, जिसका आज तक जो है वो यकीन करें वो वीडियो बंदा देख नहीं सकता। इंतहा है ये देखें ना इस वतन अजीज को, और ये हम किधर जा रहे हैं, आपने महंगाई इस कदर कर दी है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हुए हैं। खुदारा अपने ज़र्फ को बड़ा करें और बर्दाश्त करें। अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो मेरी पुरजोर अपील है सब दोस्तों अहबाब सियासतदानों सबसे, खुदारा अपने ज़र्फ को बड़ा करें। और तीसरी बड़ी चीज़ जो है वो ज़िंदगी में खुशी के लिए वो सब्र है। देखें कबर जमान कायरा को आप जानते होंगे, मैं दो तीन दफ़ा उनसे मिला हूँ, मेरे एक दोस्त है उनके हवाले से। तो उनके बेटे की डेथ हुई, नौजवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तो उनके अल्फाज से अल्लाह का इनाम था, उसी ने दिया और उसी ने वापस ले लिया। दोस्तों ये है सब्र, ना कि बवेला करके रो दो के, वो तो सब्र आ जाता है, वो सब्र नहीं होता है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सदका जारी समझ के, ताकि किसी का भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ज़ेर लब को गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ।